एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं फाजिलका की स्थानीय कैंट रोड पर, जहां पर नौजवान समाज सेवा संस्था की तरफ से क्लीन सिटी व ग्रीन सिटी पौधे लगाओ जीवन बचाओ मुहिम के तहत आज पौधे लगाए गए। और उनके साथ पौधे लगाने में फाजिलका के मशहूर समाज सेवक डॉक्टर अजय ग्रोवर ने भी पूर्ण सहयोग दिया। और इस मौके डॉक्टर अजय ग्रोवर ने नौजवान समाज सेवा संस्था को भी कुछ सलाह दी। और इस मौके नौजवान समाज सेवा संस्था के संचालक व डॉक्टर अजय ग्रोवर ने क्या कहा, ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। सर, अज नौजवान समाज सेवा संस्था वालों पिछले कुछ दिनों तो क्लीन सिटी ग्रीन सिटी जी मुहिम चलाई गई है, उसका आगाज़ अज साढ़े डॉक्टर अजय ग्रोवर जी उन्होंने दुकान चौक के सामने से पौधे लाए ने, जो कि उन्होंने वेख्या सी पिछले कई दिनों तो पौधे शहर वक् थावान शहर की थावान पौधे ला रहे हैं। तो उन्होंने फोन आया सो कहते भी हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम भी, ये पौधे की लड़ उस रोड से भी है, इन्हों की शॉप ही उसे दुकान पर। तो इस करके बस जिमें जिमें सूँ कॉल आ रही है ग्रीन सिटी एंड क्लीन सिटी के मुहिम देखते हुए, तो असं उन्होंने प्रोवाइड कर रहे हैं जी। धन्यवाद। मैं अज बहुत वधिया उपराला किया नौजवान समाज सेवा संस्था ने। मैं तो वैसे ही कैंट रोड तो निकल रहा था, इन्हों का देख के काम देख के मैं रुक गया। इन्होंने जो उपराला किया मैनू बहुत अच्छा लग्या। ये पिप्पल दे निम दे कनेर दे पौधे लगा रहे हैं, जो कि अज के टाइम बहुत लोड़ है। आप हर तरह प्रदूषण वातावरण होया पे, जिन्हों संभालन वास्ते जो काम कर रही है ये संस्था बहुत अच्छा कर रही है। इनू अगों तो जो चीज़ की लोड़ हुई असं इस संस्था के नाल खड़े हाँ। लॉयंस क्लब प्रयास से अदर सहयोग समिति वालों असं इन्हों पूरा सहयोग देंगे। थैंक यू जी। ये बहुत ही सराहनीय कदम ने इस संस्था दे। मैं तो शुरू तो ही जो भी मैं पता चलिया संस्था सोशल वर्किंग कर रही है, तो हूँ नाल नाल पौधा रोपण कर रही है, तो मैं इन्हों बहुत ज़्यादा अच्छा कर समझदा, मैं बहुत चंगा समझदा हाँ कि शहर में सानू पहले ही बड़ी वधिया हरियावल मिल रही है। तो इस तरह की संस्था के जवान लड़के जदों इस तरह के काम करेंगे इहदे नाल साडे इनवायरमेंट का पर्यावरण का बहुत सारा बेनीफिट होएगा। तो आने वाला टाइम साडा जिहड़ा कि अजकल लोग कहिंदे ने ऑक्सीजन घट रही है या बार बार ऑक्सीजन का रोना रो रहे हैं, तो मेरे ख्याल इस संस्था के कारण चंगे जिहड़े काम होणगे, ऑक्सीजन की पूर्ति भी होएगी और साडा शहर साफ सुथरा होएगा। तो मैं ये सारी संस्था के सारे बंदियां नूं वधाई दे पात्र कहना। तुसीं एक डॉक्टर होने के नाते इनवायरमेंट बचाओ लई की संदेश देना चाहते हो जी? इनवायरमेंट बचाने लई साडा यही संदेश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा प्लांटेशन करो। अजकल सानू जिहड़ी बहुत जिहड़ी जरूरत है, सानू पीपल के पेड़ की जरूरत है। पीपल के पेड़ के नाल सानू दूसरे पेड़ों नालों ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। दूसरा साडा इस संस्था नूं भी एक एडवाइस भी है, असीं इन्हां नाल मिल के एक प्रोजैक्ट शुरू करन लगे हाँ, जिंदे च असीं कनेर के पौधे लगाने के बारे मैं इन्हां नूं विचार दिता है। अब मेरा एक सुजैशन है कनेर के पौधे लगाओ। कनेर के पौधे का की फायदा सानू, जो कि रोड साइड पर लगे होंगे ने साडे स्कूटर मोटरसाइकलों के जेड़े भी धुआं निकलता है, जिंदे च कार्बन मोनोआक्साइड जी निकलती है, वह कनेर के पौधे उन्होंने ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देंगे ने कि साडे लोगों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। धन्यवाद। एबीएन न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।